नमस्कार, मैं दीवान सिंह रावत, महाकाली मंदिर निर्माण समिति गढ़वाल अल्मोड़ा, आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और माँ भगवती का जो अभी जो यात्रा चल रही है उसमें सम्मिलित होने के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूं। खास तौर से यात्रा 14 तारीख को जो महाकाली मेला होने वाला है उसकी यात्रा अभी हम पहुंचे हैं। ये चित्तौड़ खाल के शिवालय में, और अब यहाँ से हमारा जो अगला पड़ाव होगा ये जाएंगे हम रिखुरौला से होते हुए और गांजर पजाई बाखली, और 13 तारीख शाम को हम जब कोठा में पहुंचेंगे यात्रा समाप्त करने के बाद, तो हमारा लास्ट पड़ाव होगा यात्रा का। और 14 तारीख को सुबह 9 बजे से 8:30-9 बजे से हमारा जो मेले का प्रोग्राम स्टार्ट होगा, शाम को 4 बजे तक चलेगा। मैं आप सभी लोगों से, सभी भक्तों से अनुरोध करता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह से यात्रा में हमें सहयोग किया, बहुत ही अच्छी यात्रा चली, शांतिपूर्ण, हजारों श्रद्धालु जो है यात्रा में शामिल हुए, और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अभी तक यात्रा का जो पड़ाव दर पड़ाव चलते रहे, मुझे बड़ी खुशी है। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आप मेले के दिन भी बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में मेले का समापन करेंगे, और सभी भक्त लोग मुझे उम्मीद है कि माँ का आशीर्वाद पाएंगे। जो अपने श्रद्धा भाव से जो लोग आते हैं वहाँ पे, उनको माँ का आशीर्वाद जरूर मिलता है। हर साल की भांति इस साल भी जो है सभी लोग को आशीर्वाद मिलेगा माँ का। 14 तारीख को खास तौर से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस दिन वहाँ पे लाखों की संख्या में जो भीड़ होती है, जो आने वाली है, उसमें शांति का योगदान आप लोगों का बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को बता दूं, खास तौर तो हम तो चलो पहाड़ के रहने वाले आदमी हैं, हमें तो उतना चलो आप कोई कह भी सकता कि भाई पहाड़ी लोग हैं, लेकिन जो लोग शहर से आ रहे हैं, जिन्होंने कभी कमरे से बाहर बगैर चप्पल का निकलना नहीं है, और वो आज कम से कम मुझे लगता है कि कम से कम 250-300 किलोमीटर का जो पैदल का रास्ता हमने तय किया है, और भी ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे और कांटों पे, लेकिन आपको मैं यकीन दिलाऊं किसी भी भाई के, हमारे कम से कम हजारों लोग चल रहे हैं हमारे साथ, किसी भी भाई के जो, हम तो पहाड़ी है लेकिन जो प्रदेश से आए, जिनके पैरों में जो है उन्होंने घर से बाहर निकलने के लिए उनको जूता चाहिए, बगैर चप्पल का जूते का नहीं निकल नहीं सकते, तो उन्होंने जो है उस पे अच्छी तरह से यात्रा कर रहे हैं और बड़ी अच्छी तरीके से वो चल रहे हैं। तो ये माँ भगवती के आशीर्वाद ही समझेंगे इसको, कि आज 2 तारीख से और आज 8 तारीख हो गई है, तो किसी भी भाई को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। मैं इसके साथ साथ एक और बात बता दूं, माँ का आशीर्वाद जो है, कई लोग उसमें ऐसे हैं कि जो घर से बाहर निकल नहीं सकते थे, हम एक दिन में 50-50 किलोमीटर तक की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वो लोग हमारे जो है साथ साथ चल रहे हैं, माता रानी के आगे पीछे चल रहे हैं, तो उन लोगों को आप खुद लोग आप समझ सकते हो कि वो माँ का आशीर्वाद के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको कालिका मंदिर आना है तो आप जो है नेट पे www.kalinkamandir.org में आप संपर्क, या आप उस पे चेक कर सकते हैं, उस पे आपको पूरी डिटेल जो है हमारी मंदिर की मिल जाएगी। कहीं से भी चाहे आप देश विदेश से कहीं से भी आप आना चाहते हो, तो बड़ी आराम से जो है आप हमारी महाकाली मंदिर में आ सकते हैं। और महाकाली मंदिर निर्माण समिति गढ़वाल अल्मोड़ा जो है, दोनों जिलों की जो एक समिति बनी है, गढ़वाल की भी और अल्मोड़ा की भी, तो वो आपको वहाँ पे स्वागत करेगी। नमस्कार,